दोस्तों आज हम अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट का जो इस साल का सबसे ज्यादा ज्यादा अवेटेड प्रोडक्ट है, और ये है MI Band 4। ये प्रोडक्ट मुझे अभी अभी मिला है कुरियर के थ्रू। आप देख सकते हैं इसके ऊपर है बैटरी का सिंबल, क्योंकि ये बैटरी यूज करता है। तो आजकल कुरियर्स को जो भी फ्लाइट से कुरियर शिप होने वाला होता है और उसमें बैटरी यूज हो रही है, तो ये उसमें रखना जरूरी होता है। मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं टेक एक्सप्लोरर, और चलिए शुरू करते हैं MI Band 4 अनबॉक्सिंग। तो चलिए दोस्तों हम ओपन कर लेते हैं इस पैकिंग को और देखते हैं अंदर के कंटेंट्स क्या है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं क्लिप को। ओके, और इसके अंदर और एक पैकिंग है। अगर आप एक बात नोट करेंगे तो इसकी पैकिंग काफ़ी कॉम्पैक्ट सी है। MI Band 4 जनरली MI Band के सारे जो प्रीवियस वर्जन्स थे वो एक स्क्वायर बॉक्स में आते थे वाइट कलर के, बट इन्होंने पैकिंग इस बार काफ़ी चेंज कर ली है। तो ये है हमारा MI Band 4। तो ये है एक चाइनीज़ वर्जन, मैं इंग्लिश वर्जन नहीं ऑर्डर कर पाया कुछ कारणवश, लेकिन मुझे आई होप कि ये चल जाएगा मेरे मी फिट ऐप के साथ। तो देख पा रहे हैं आप सब कुछ यहाँ पे चाइनीज़ में लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये एक चाइनीज़ वर्जन का ही बैंड है, और आप देख पा रहे हैं इस बार पैकिंग काफ़ी इन्होंने डिफरेंट कर दी है कंपेयर टू द ओरिजिनल पैकिंग। तो हम इसे क्विकली ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर के कंटेंट्स क्या क्या हैं। काफ़ी ट्रिकी ओपनिंग है इसकी, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। पहले मुझे इसको नीचे से ओपन किया तो वहाँ से मैं उसको निकाल नहीं पा रहा था, और मैं अभी ऊपर से ओपन कर रहा हूँ। आई होप दिस इज द राइट वे टू ओपन इट। जी हाँ, ये है सही तरीका। मुझे अभी बस इसे पुल करना है बाहर की तरफ, और ये रहे कंटेंट्स। एक लंबे से बॉक्स में कंटेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट इसमें चार्जिंग केबल, सेकंड आपका MI Band 4 स्ट्रैप और यूनिट उसी में इंस्टॉल्ड है, और थर्ड में आपका जो है यूज़र गाइड दिया हुआ है। तो इसमें आप इंस्टॉल देख पा रहे हैं ऑलरेडी। जनरली MI Band 4 का यूनिट सेपरेटली देते थे और स्ट्रैप सेपरेटली दिया करते थे। इस बार पूरा पैकिंग चेंज है। देखते हैं हम इसके अंदर यूज़र गाइड। मुझे क्विकली ओपन करने दीजिए। ओके, और ये है हमारा यूज़र गाइड जो कि है पूरा चाइनीज़ लैंग्वेज में। बट ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप MI Band 3, 2 या प्रीवियस बैंड्स यूज़ कर चुके हैं तो इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और ये है हमारा एक यूनिक चार्जिंग केबल जो इन्होंने चेंज किया है। एक बड़ा बदलाव है इस MI Band 4 वर्जन में। एक डॉकिंग टाइप का अडेप्टर दिया है जिसमें चार्जिंग आपके बैक साइड में है, ना कि आगे की तरफ। और अगर हम इसे कंपेयर करेंगे MI Band 3 और MI Band 1 के चार्जर के साथ, तो आप देख पा रहे हैं कि कितना डिफरेंस है इनके डिज़ाइन में। तो ये स्ट्रेट आपको साइड से प्लग करना पड़ता था, लेकिन इस बार आपको पूरा का पूरा यूनिट ही इसी में रखना है, और नीचे पीछे और बॉटम की तरफ इसके चार्जिंग के पिंस दिए गए हैं। इसे मैं साइड में रखता हूँ और हम ओपन करेंगे हमारा मेन यूनिट। तो ये है MI Band 4 इंस्टॉल्ड इन द स्ट्रैप इटसेल्फ। हम इसके वेट की बात करेंगे तो यह है जस्ट 22.1 ग्राम, और आप देख पा रहे हैं ये एक है एमोलेड स्क्रीन जो कि 0.95 इंचेस की स्क्रीन है, जो कि काफ़ी बड़ी है कंपेयर टू MI Band 3। और इसका रिजोल्यूशन आप देखेंगे तो 120x250 का रिजोल्यूशन है। कलर डेप्थ आता है 24 बिट में, और यह है ऑन सेल कैपेसिटिव टच स्क्रीन। सबसे अच्छी बात इस बार इन्होंने ये दी है कि इसका 2.5D का टेम्पर्ड ग्लास विथ एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी बात है जो। और हम बैक साइड अगर देखते हैं तो हमें पिन्स दिखते हैं और उसका हार्ट रेट। क्विकली मैं इसे निकाल लेता हूँ स्ट्रैप से ताकि हम अच्छी तरह से इसको देख पाए पास से। तो यह है एक हार्डन ग्लास और हार्ट रेट सेंसर, और नीचे पिन्स दिख रही हैं चार्जिंग की पिन्स जो इस बार इन्होंने यहाँ पे दी है। रिस्ट स्ट्रैप का जो मटेरियल है वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथिलीन का मटेरियल है।
इस तरह से ये डॉक में फिट होगा। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि समझ में नहीं आता डॉक में फिट हुआ है कि नहीं, क्योंकि पूरी तरह से अंदर जाता नहीं है, बट हाँ और अंदर जा नहीं रहा है, तो आई होप ये फिट हो चुका है। तो मैं इसे कर लेता हूँ क्विकली चार्ज ताकि हम देख सकें इसे किस तरह से सिंक किया जाता है मी फिट एप्लीकेशन के साथ। तो ये मैंने थोड़ा सा चार्ज कर लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे ये मी फिट एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होगा। इसमें एक बात नोट करने वाली ये है कि अगर आपके पास पहले से ही कोई बैंड है कनेक्टेड आपके मी फिट ऐप में, तो वो बैंड और के साथ सेम ये बैंड दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे। आपको दोनों में से कोई एक ही रख सकते हो। अगर आप एम आई बैंड 4 को इसमें पेयर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली एम आई बैंड 3 जो है आपका डिसेबल हो जाएगा। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे बैंड और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी में। तो ये भी स्कैन कर रहा है फॉर नियरेस्ट बैंड्स अवेलेबल। देख पा रहे हो आप मेरे यूनिट में सब चाइनीज़ लैंग्वेज में है, लेकिन मुझे आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इसकी चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये कनेक्ट होगा मेरे मी फिट एप्लीकेशन के साथ जो कि इंग्लिश में वर्जन में इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी मेरे मोबाइल पे, वो डिटेक्ट कर लेगा वर्जन और इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। ये डिटेक्ट हो गया है। और अभी जैसे नेक्स्ट स्क्रीन ये देखिए, इसमें इंग्लिश में ही सारे डिटेल्स आ रहे हैं। तो आई डोंट हैव टू वरी एनी मोर कि ये चाइनीज़ वर्जन का बैंड था और ये कैसे करेगा। तो यहाँ पे इसने न्यू डिवाइस को डिटेक्ट कर लिया है और ये पूछ रहा है एक्टिवेट करना है क्या, क्योंकि ऑलरेडी एम आई बैंड 3 पेयर्ड था मेरे मी फिट एप्लीकेशन के साथ। तो ये बता रहा है कि पहला ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है ये है एम आई बैंड 3 जो मेरा प्रीवियस था, और न्यू डिवाइस जो है मेरा दैट इज़ एम आई स्मार्ट बैंड 4। तो मोस्टली डेटा जो होगा वो मी फिट ऐप एसोसिएट कर देगा एम आई बैंड 4 के साथ, ताकि पुराना डेटा भी रिटेन रह सके मेरे मी फिट ऐप के अंदर। तो जो भी नया एक्टिविटीज़ होगा वो मी फिट ऐप मेरे मी फिट 4 का एक्टिविटीज़ से डिटेक्ट होगा, लेकिन पुराना डेटा भी रिटेन रहेगा जो कि एम आई बैंड 3 ने कैप्चर किया था। तो यहाँ ये रिस्टोर कर रहा है बैंड सेटिंग्स। और दोस्तों मैं बताऊँ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तो ये एंड्रॉयड 4.4 एंड अबव और iOS 9.0 एंड अबव के साथ सिंक होगा। ये एक काफ़ी अच्छा फीचर दिया है बैंड लॉक का, जो कि ये है कि अगर आप रिस्ट से बैंड निकाल के साइड में रखते हो तो वो लॉक हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी एप्लीकेशन, बहुत अच्छा फीचर दिया है, क्योंकि आजकल बैंड्स में यू कैन सिंक योर व्हाट्सएप का मैसेजेस या फिर ईमेल्स भी आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन ऐप डेटा गेट शेयर्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ दैट एम आई बैंड 4। तो अगर आप इसे निकाल के दूर रखते हैं तो उसकी सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। इसमें देते हैं मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड जो जिसमें कि 6 वर्कआउट मोड्स हैं, और यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, म्यूज़िक भी हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बैटरी मेरी लो है, लेकिन मेरे ख्याल से ये काम कर देगा डेमो के पर्पस से। तो यहाँ पे मेरा पेयर हो चुका है, अगर आप देख रहे हैं इसमें ओके, ये एक इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग अली पे। तो ये एक पेमेंट मेथड है जो चाइना में काफ़ी पॉपुलर है, अली पे। और एम आई बैंड 4 का जो दूसरा वेरिएंट आता है जिसमें वायरलेस पेमेंट का ऑप्शन भी इनेबल्ड है, तो कार्ड आप उसमें सिंक कर सकते हो और यू कैन पे वायरलेसली बाय जस्ट आपका एम आई बैंड 4 का यूनिट है जो हॉवर कर सकते हो पेमेंट यूनिट के ऊपर और आपका पेमेंट हो जाएगा। ये इसमें इस वाले मेरे बैंड में ये फीचर नहीं है, बट समहाउ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ बता रहा है। और देख पा रहे हैं यहाँ पे सब आ गया है इंग्लिश वेरिएंट में और नो मोर चाइनीज इज देयर, तो विच इज़ द बेस्ट पार्ट। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। इसमें बेसिकली 6 वर्कआउट मोड्स हैं, ट्रेडमिल, एक्सरसाइज, आउटडोर रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग और पूल स्विमिंग जो कि एक नई चीज़ है, काउंट स्टेप्स, डिस्टेंस एंड कैलोरीज बर्नड। हेल्थ मॉनिटरिंग की मैं अगर बात करूँ तो इसमें है वर्कआउट कंप्लीशन नोटिफिकेशन, गोल सेटिंग कर सकते हो, स्लीप मॉनिटरिंग है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, ऑल डे हार्ट रेट चेकिंग भी आप कर सकते हो, रेस्टिंग हार्ट रेट भी मॉनिटर का हो सकता है, और हार्ट रेट चार्ट एंड आइडल अलर्ट्स, ये सब फीचर्स है इसमें। और एक बहुत ही नया फीचर इसमें जो इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज़ द म्यूज़िक कंट्रोल। आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो और म्यूज़िक नेक्स्ट पॉज प्ले, ये सब का बेसिक कंट्रोल्स इसमें अवेलेबल है।
तो अदर फीचर्स की मैं अगर बात करूँ दोस्तों, तो इसमें है अलार्म, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, प्रीसेट वॉच फेस, कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस, लॉक स्क्रीन, टाइमर, स्टॉप वॉच, फ़ोन अलार्म और काफ़ी नए फीचर्स। तो ये कुछ फेसेस हैं, बट अगर आप ऐप के अंदर देखें तो मी फिट ऐप के अंदर आपको बड़े साइज़ के, जैसे आप मोबाइल का स्क्रीन सेवर सेट करते हो या वॉलपेपर सेट करते हो, वैसे टाइप के भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें कि मैं फ़ीचर्स पे डिटेल से डिस्कस करूँगा MI Band 4 के और कैसे उन्हें यूज़ करना है। और वो वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ शेयर कीजिए इस पर्टिकुलर वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोस मैं ला रहा हूँ वो आप देख सकें। और नए वीडियोस में अभी MI Band 4 को मैं कंपेयर करूँगा MI Band 3 से, Honor Band 4 से और Amazfit वॉच से भी कंपेयर करूँगा, तो आपको परचेस करने में आसानी होगी कि क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सा बैंड ख़रीदना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों।